जय भवानी। शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी। आप सब पे माँ भगवती की कृपा सदाई बनी रहे। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए, गोमती चक्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, गोमती चक्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद उसके प्रयोग अलग अलग कैसे किए जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग होली की रात्रि में गोमती चक्र को सिद्ध करके रख देते हो तो उसके अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें से कुछ प्रयोग भी बताए गए जो बहुत ही चमत्कारिक और प्रभावशाली माने जाते हैं। होली की रात्रि में गोमती चक्र को सिद्ध करने की बहुत ही सरल विधि बताई गई। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गोमती चक्र भगवान श्री कृष्ण के एक अद्भुत वरदान है, जिसे किसी भी काम के लिए आप प्रयोग करते हो कार्य पूर्ण हो जाता है। गोमती चक्र दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है सफ़ेद रंग का, जो आसानी से कहीं भी आपको दुकान में प्राप्त हो जाते हैं, और एक होता है काले रंग का, जिसे नाग चक्र भी कहा जाता है। हल्का सा नाग के समान दिखाई देता है ये जो चक्र है, ये भाग्य से ही प्राप्त होता है। इन चक्रों की प्राप्ति द्वारका नगरी में जो जाते हैं चक्र, गुजरात के एक नागौर जो गांव है वहाँ पे पाया जाता है। आप लोगों को वहाँ पे भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। आप लोग और जगह से भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे जो पूजा पाठ की जो सामग्री की जो दुकानें होती है आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सफ़ेद रंग का ही प्राप्त होगा। जो काले रंग का होता है वो सिर्फ भाग्य से ही प्राप्त होता है। और गोमती चक्र अपने आप में ही शक्तिशाली माने जाते हैं। इन गोमती चक्रों को सिद्ध करके अगर आप लोग प्रयोग करते हो तो इसके बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपको फायदा दिखाई देता है, जिस कार्य के लिए भी उपाय करते हो। आप सभी लोगों को पहले गोमती चक्र ला के रख देना आपके घर पे। 11 भी ला सकते हो या तो 21 भी ला सकते हो। तो होली के रात्रि में विशेष करके इसे सिद्ध किया जाता है और ये सिद्ध हो ही जाता है। कोई भी एक पात्र रख लेना आपको, तांबे का जो भी है आपके पास, उसके अंदर 11 या तो 21 गोमती चक्र रख देना है। पंच अमृत बना लेना है आपको। उस पंच अमृत से जो पात्र में आपने चक्रों को रखा है उससे स्नान कराना है, और हम जो मंत्र बता रहे वो बोलते हुए स्नान करवाना है। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः बोलते हुए आपको स्नान करवाना है। पंच अमृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से साफ कर सकते हो, एक एक करके भी कर सकते हो, या दूसरे पात्र में आप सभी को मिला लीजिए, शुद्ध जल डाल लीजिए, और थोड़ा सा गंगा जल हो तो वो भी डाल सकते हो। आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद एक अच्छे कपड़े से आपको सभी गोमती चक्रों को पोंछ लेना है, अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। तो आप गंगा जल से या अच्छे जल से भी साफ करोगे तभी आपको वो मंत्र दोहराना है। ओम ह्रीम नमः बोलते हुए आपको साफ करना है। तांबे की या तो पीतल की पात्र में आपको रख देना है उस गोमती चक्र को, आपके पूजा स्थान के सामने, आपके सामने। और एक घी का दीपक जलाना है और एक धूपबत्ती जला देना है। वो एक मंत्र बता रहे, आपको उसका जप करना है। याद रखना है कि आपके सामने ही होना चाहिए वो गोमती चक्र एक प्लेट में। ओम ओम आरोग्य निखरी रोगान शेषा नमः, 11 माला आपको निकालना है। रुद्राक्ष की माला से भी निकाल सकते हो आप लोग। तो सफ़ेद आसन भी ले सकते हो या पीला आसन भी ले सकते हो, जो ऊनी रहना चाहिए। तो 11 माला एक ही बैठक में आपको निकालना है, ये गोमती चक्र आपके सिद्ध हो जाएगी। आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हो, इसका प्रयोग करने के लिए सिद्ध करके भी रख सकते हो। जैसे 51 भी गोमती चक्र रख सकते हो, या तो 108 गोमती चक्रों को भी एक साथ सिद्ध कर सकते हो। आपकी इच्छा अनुसार आप कितने भी सिद्ध कर सकते हो। और याद रखना है कि आपको एक ही बैठक में 11 माला का जप करना है। तो आप जितने भी रखोगे वो सिद्ध हो जाएंगे। फिर इसका प्रयोग कैसे किया जाता, आप लोगों को कुछ प्रयोग भी बताते जो बहुत ही चमत्कारिक साबित होती है। पहला उपाय बताते हैं आपके बिजनेस के लिए, कि कोई दुकान हो या कोई बड़ा बिजनेस हो या कोई भी कंपनी हो या घर से ही कोई बिजनेस करते हो, अगर आप लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो या आपको घाटा हो रहा हो, तो उस लिए इस उपाय को किया जाता है। इस उपाय को जो भी करना चाहता है, एक लाल कपड़ा ले लेना है, उस लाल कपड़े के अंदर दो गोमती चक्र रख लेना है, उसको बांध लेना है। और आपका जो भी मुख्य द्वार हो, जैसे कोई कंपनी में आप करते हो तो कंपनी में बांध सकते हो, या आपके घर से ही कोई बिजनेस कर सकते हो, तो जहाँ पे भी आपका ऑफिस हो वहाँ पे उस मुख्य द्वार पे बांध लेना है, या तो मेन गेट पे बांध लेना है। अगर आपकी कोई कंपनी हो, आपकी कोई दुकान चलाते हो, तो उसके भी ऊपर बांध सकते हो, यानी कि मुख्य द्वार पे भी बांधना है जहाँ पे भी आप बिजनेस करते हो। दो गोमती चक्र रख लेना है, उसी लाल कपड़े से आपको एक तरफ से बांध के उसको आपके मुख्य द्वार पे लटका देना है। आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी या आप लोगों को नुकसान हो रहा, तो आपको नुकसान होना धीरे धीरे बंद हो जाता है, आपके व्यापार में वृद्धि होने लगती है, आपके व्यापार अच्छा चलने लगता है।
इस प्रयोग को हर कोई कर सकता है आपके व्यापार के लिए। दूसरा प्रयोग बताते हैं, अगर मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो रही हो तो पेट में जैसे बहुत सी प्रॉब्लम है, बीमारियां उत्पन्न होती पेट की वजह से, या कोई भी पेट से संबंधित जो बीमारियां रहती है उस निमित्त इस उपाय को किया जाता है और बहुत ही अचूक माना जाता है इस उपाय को जो भी करता है। जो आप लोगों ने जो 29 चक्र सिद्ध किए उनमें से ही 10 29 चक्र आप लोगों को लेना है और एक तांबे के लोटे में या तो एक चांदी के गिलास जो आपके यहाँ हो उसमें भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। अच्छा जल भर के रख देना चाहिए आप लोगों को रात के समय में और 10 29 चक्र उसे में डाल देना चाहिए। तो रात भर उस 29 चक्र को आप लोग रख सकते हो शुद्ध जल में। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो कोई भी गिलास में या लोटे में रख सकते हो आप लोग, और सवेरे उठ के खाली पेट उस जल को प्रतिदिन पीना चाहिए। पेट से संबंधित जो भी बीमारियां है उसमें भी राहत प्राप्त होने लगती है और मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है इस उपाय को जो भी करता है। ये जो उपाय है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, आप लोग करके देख सकते हो। आप लोगों को लगता हो कि आपके घर में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति का निवास हो चुका हो, ऐसा लगता हो आप लोगों को कि कोई भी घर के सदस्य के ऊपर कोई चीज़ हावी हो चुकी हो, कोई नकारात्मक शक्ति, तो इस उपाय को जरूर कर सकते हैं आप लोग। होली की रात्रि में आप लोगों को जो सिद्ध किए वाले 3 गोमती चक्र लेना है, जो आपको लगता हो कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो, एक तरफ से शुरू करना है और 3 बार आपको आपके घर में घूम जाना है उस 29 चक्रों को लेके। ऐसे घूमना है कि 3रा राउंड गेट हो आपका बाहर निकलने वाला, उस गेट के तरफ पूरा होना चाहिए। 29 चक्रों को लेके होली दहन होती है, आपको उसमें डाल देना है। जब डालोगे फिर उसके बाद पीछे पलट के नहीं देखना है और घर पे वापस आ जाना है और हाथ पैर धो लेना है घर के बाहर ही। ये हो गया घर के लिए। और ऐसा ही उपाय कर सकते हो अगर कोई चीज़ हावी हो चुकी हो, आपको लगता हो कि उसकी हरकतें कुछ अलग होती हो, तो उनके ऊपर से भी सर से लेके 3 बार पाँव तक उतारना है और सीधे घर के बाहर निकाल जाना है आप लोगों को, और होली में डाल के 29 चक्रों को वापस आ जाना है और हाथ पैर धो लेना है, फिर घर के अंदर प्रवेश करना है। घर में कुछ होगा आप लोगों के तो जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो भस्मीभूत हो जाएगी। जो 29 चक्र की जो शक्ति रहती है वो ऐसी नकारात्मक शक्ति को खींच लेती है और जब आप होली में डालते हो तो भस्मीभूत हो जाती है। आपके घर के आसपास कोई होली नहीं जमती हो तो घर के बाहर ही आपको कोई भी आग जला लेना है और उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन घर के बाहर जलाना है, आपके घर से थोड़े से दूर में जला सकते हो और वापस डाल के आ सकते हो। तो इस प्रयोग को ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए, बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग माना जाता है। 4वां प्रयोग बताते हैं, ये जो प्रयोग किया जाता है, आपकी अगर कोई नौकरी नहीं मिल रही आप लोगों को या आप कहीं पे ड्यूटी कर रहे हो, आप उसमें प्रमोशन चाहते हो, तो उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हो। जो आप लोगों ने सिद्ध करके रखे उन्हीं में से 29 चक्र लेना चाहिए, 108 29 चक्र लेना चाहिए आप लोगों को। और आपके घर में अगर शिवलिंग हो वहाँ पे भी कर सकते हो, या तो शिव मंदिर चले जाना है आप लोगों को, होली की रात्रि में करना है। शाम को सूरज ढलने के बाद इस प्रयोग को कर सकते हो आप लोग। तो इस प्रयोग को महाशिवरात्रि के दिन भी कर सकते हो, तो दोनों में से होली के दिन या तो महाशिवरात्रि के दिन भी किया जाता है, तो आप कभी भी कर सकते हो। जिनके पास पहले से ही जॉब हो उसमें प्रमोशन के लिए किया जाता है, या जिनके पास जॉब नहीं हो या कोई ड्यूटी ढूंढ रहे हो, नौकरी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी किया जाता है। 108 गोमती चक्रों को एक पात्र में रख लेना है और एक एक गोमती चक्र उठाना है और शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो एक गोमती चक्र लेना है ओम नमः शिवाय, तो एक एक गोमती चक्रों को मंत्र बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। तो ऐसे 108 मंत्र बोलते हुए 108 गोमती चक्र आप भोलेनाथ पे समर्पित कर सकते हो। और प्रार्थना करना है भोलेनाथ से कि आप प्रमोशन के लिए चाहते हो तो उसके लिए प्रार्थना करना है, या आप नई जॉब ढूंढना चाहते हो, नई जॉब के लिए कर रहे हो इस उपाय को, तो उसके लिए भी प्रार्थना करना है। बहुत ही जल्दी आपको एक जॉब लग जाएगी, या प्रमोशन के लिए करते हो तो थोड़ी ही समय में आपका प्रमोशन हो जाएगा, इस उपाय को ऐसे लोग कर सकते हो। 5वां प्रयोग बताते हैं, नज़र दोष। ये बहुत ज़्यादा सुनाई आता है, हर ज़्यादातर लोगों को लगती भी है, कभी भी किसी की भी नज़र लग सकती है। तो एक 29 चक्र को लेना है, चांदी के ताबीज में आपको बनवा लेना है और उसे आपके गले में धारण कर सकते हो। जो बार बार आपको नज़र लग जाती है उससे नज़र लगना बंद हो जाता है इस 29 चक्रों को पहनने से। वो ताबीज को काले धागे में भी पहन सकते हो या तो चांदी के चैन में भी पहन सकते हो। कभी भी नज़र लग जाती है तो उससे नज़र दोष होना बंद हो जाता है आपको, फिर कभी किसी की नज़र नहीं लगती है। 6वां उपाय बताते हैं, आप धन कमाते हो लेकिन आपके पास धन टिक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है, बेवजह खर्चा होता है।
चांदी के अंगूठी में एक गोमती चक्र छोटा सा आपको ले लेना है, उसकी अंगूठी बनवा सकते हो और उसे आपकी तर्जनी उंगली रहती है उसमें पहन सकते हो। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको पहन लेना है, तो इससे धन का विकास होता है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं और जो अनजाने जो खर्चे होते हैं बेवजह, जो धन नहीं रुकता है तो उसमें धन रुकने लगता है आपके पास, धन के नए नए रास्ते बनते हैं आपके जीवन में। जो धन प्राप्ति के लिए गोमती चक्र का उपाय बहुत ही अचूक माना जाता है, प्रभावशाली माना जाता है, बहुत लोग करते भी है। सातवां उपाय बताते हैं, मंदिर हो आपका या पूजा रूम हो तो पूजा घर में सिंदूर में 11 गोमती चक्र एक डिब्बे में भर के रख देना चाहिए। अगर आप कोई उपाय नहीं कर सकते हो तो इसलिए आप 11 गोमती चक्रों को एक सिंदूर की डिब्बे में रख देना है। सिद्ध करे वाले ही होना चाहिए गोमती चक्र। आपके घर में कलह का वातावरण रहता हो तो इसमें राहत प्राप्त होती है। तो आप लोगों पे कभी भी कोई मुसीबत अगर आ जाती है तो उससे कोई भी मुसीबत आना बंद हो जाता है घर के सदस्यों पे, जिस मंदिर में इस 11 गोमती चक्रों को सिंदूर के साथ रखा जाता है। किसी भी स्त्री को गर्भपात मिसकैरेज हो जाता हो, गर्भपात रुक नहीं पाता हो, तो ऐसे जो भी स्त्री इस समस्या से परेशान हो जो गर्भपात रुक नहीं पाता हो तो उसके लिए किया जाता है। जब भी कोई स्त्री गर्भावस्था में आती है या गर्भवती है आपको पता जैसे ही चलता हो, होली की रात्रि में जो सिद्ध किए वाले गोमती चक्र होना चाहिए वो 2 गोमती चक्र लेना है और पीले कपड़े में बांध लेना है। जो स्त्री गर्भवती है उसके दाएं साइड में जो कमर पे आपको बांध लेना है और रात के समय में जब आप सोने जाते हो तो उसको निकाल लेना है और एक अच्छी जगह रख लेना है। तो रात्रि के समय में आपको निकाल के रख लेना है, बाकी सवेरे जब नहा धो के आप फिर से वहाँ पे बांध सकते हो कमर में। इससे क्या होता है, जो मिस कैरिज होता है या गर्भपात होता है तो इससे गर्भपात रुकना प्रारंभ हो जाता है और आपकी संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आती है। तो इस प्रयोग को ऐसे लोग कर सकते हैं जो गर्भ रुक नहीं पाता है, तो ऐसे के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होता है। तो इससे संतान प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। शत्रु से अधिक परेशान हो या शत्रु आपको परेशान करते हो या नए नए शत्रु आपके बनते ही जाते हो, इतने शत्रु हो चुके हो, आप शत्रु से घिर चुके हो, आपका जो भी शत्रु है अगर उसका नाम आपको पता है तो इस उपाय को कर सकते हो आप लोग। आपका शत्रु का जो भी नाम हो उसके नाम के अक्षर जितने भी वर्ड बनते हो, मान लीजिए किसी के 5 बन रहे तो 5 गोमती चक्र लेना है, 3 बन रहे, 4 बन रहे, जितने भी वर्ड बनते हो उसका नाम लिख रहे हो, वो वर्ड जितने भी बनते हैं सिर्फ जो वर्ड बनते हैं उसके लिए लेना है, इस बात का याद रखना है। तो जो भी अक्षर बनते उस हिसाब से अगर 5 बन रहे 6 बन रहे तो उतने गोमती चक्र ले लेना है। होली की रात्रि में आपके घर के बाहर मेन गेट हो उसके बाहर गड्ढा खोद के दबा देना गोमती चक्रों को। मान लीजिए टाइल्स या सीमेंट की जगह हो, फर्श हो, घर के बाहर जो बाउंड्री रहती है वहाँ पे भी दबा सकते हो, यानी कि मेन गेट से बाहर होना चाहिए, बाउंड्री के बाहर होना चाहिए, लेकिन घर के आसपास ही होना चाहिए, चाहे पीछे कर रहे हो या सामने कर रहे हो या बाजू में कर रहे हो। हमने ये जो भी उपाय बताए ये होली की रात्रि में किए जाते हैं, बहुत ही प्रभावशाली कहलाते हैं और होली की रात्रि मंत्र तंत्र टोने टोटके के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रात्रि मानी जाती है। ऐसी कुछ रात्रियाँ होती है जिसमें आप थोड़ा सा भी कर ले तो उसका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो सिद्धि साधना उपाय जो भी करते हो तो फलित होते हैं। याद रखिए गोमती चक्रों को सिद्ध करने के बाद ही इसके प्रयोग किए जाते तभी आपको इसका लाभ प्राप्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत वरदान माने जाते हैं गोमती चक्रों को, तो इसका प्रयोग आप सभी लोग कर सकते हो। ऐसे कुछ प्रयोग होते हैं जो सही समय पे सही नियम से कर लेते हो तो आपको उसका फल प्राप्त होने लग जाता है। तो ये होली के दिन की ही प्रयोग है। ये जो गोमती चक्र जो सिद्ध होते हैं जिस दिन होली की पूजा की जाती है उसी रात्रि में करना है आपको, जिस दिन रंग खेला जाता है उस रात्रि में नहीं किए जाएंगे, याद रखना है। होली के दिन जिस दिन पूजा होती है उसी रात्रि में करना है और इसका समय भी बता देते हैं आप लोगों को। गोमती चक्र को सिद्ध करते हो तो 9 बजे आपको बैठ जाना है और फिर आपको सिद्ध कर लेना है। आप कितने भी गोमती चक्र सिद्ध कर सकते हो। जो गोमती चक्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी थी, जो पूर्ण विधि बता दी, इसी तरह की आप रहस्यमय जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।